गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड न्यू टॉपिक। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन का शाब्दिक अर्थ होता है विराम चिन्ह। हिंदी में वैसे हम पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं विराम चिन्ह, यानी कि रोकने वाले स्थान जहाँ पे हमको बार बार रोकना होता है या रुकना होता है। एंड तथा यूज ऑफ, तथा यूज करना ऑफ किसका, कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होता है उसका कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, वो कैपिटल लेटर्स को कैसे यूज करना है उसको समझेंगे। तो हमको यहाँ पर दो चीज पढ़नी है, पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह, यानी कि रोकने वाले स्थान जहाँ पर हमको बार बार रुकना होता है। तो उसकी पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में इस प्रकार है, व्हेन वी राइट समथिंग, व्हेन जब वी राइट, वी यानी कि हम, राइट राइटिंग लिखते हैं, समथिंग मतलब कुछ, वी यूज, वी यानी कि हम, यूज यूज यानी कि उपयोग करते हैं या यूज में लाते हैं, सम साइंस, सम साइंस मतलब कुछ चिन्ह, लाइक जैसे कि, लाइक मींस जैसे कि, कॉमा, कॉमा यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे साइन यूज करते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, इंटरोगेशन मार्क, बहुत सारे आप साइन यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया कि जब भी हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो हम साइन यूज करते हैं, वो साइन क्या हो सकता है, कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, एक्सेट्रा। आगे द प्रॉपर यूज, द प्रॉपर यानी सही तरीके से, सही ढंग से यूज यानी उपयोग लाना ऑफ दिस साइन, दिस साइन एंड इन चिन्हों को, इन चिन्हों को कौन-कौन से हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, इन चिन्हों को, इन साइन को सही प्रॉपर तरीके से यूज लेना कहां पे, इन सेंटेंसेस, सेंटेंस में यूज लेना, पैराग्राफ, पैराग्राफ में यूज लेना। हम इनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, इनको पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इज कॉल्ड पंक्चुएशन। और उसी को क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन। अगर शाब्दिक भाषा में हम बोला जाए पंक्चुएशन क्या होता है, विराम चिन्ह, रुकने वाले स्थान, रुकने वाले स्थान में हम कॉमा यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, एक्सेट्रा यूज करते हैं। अब किस किस तरीके के पंक्चुएशन मार्क होते हैं, कितने तरीके के पंक्चुएशन मार्क होते हैं, उनको एक एक करके रीड करेंगे। पंक्चुएशन मार्क कितने 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 तरीके के होते हैं, वैसे मैंने चार पाँच बताए हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सेट्रा। उसके अलावा भी कुछ साइन होते हैं जो हम यूज करते हैं एज ए पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क के रूप में। कौन कौन से हो सकते हैं पंक्चुएशन मार्क, फॉलोइंग, फॉलोइंग, फॉलोइंग आर द, फॉलोइंग आर द important, important, important punctuation, punctuation marks। तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क, मींस मैं कुछ अब पंक्चुएशन मार्क लिखूंगा, उनको हमको रीड करना है, उनके बारे में हमको डिटेल रीड करना है। इसका मींस है कि ये जो मैं पंक्चुएशन मार्क लिखूंगा, लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, उसको हम कहां का यूज करते हैं, कैसे यूज करना है। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट इज फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का साइन ऐसे डॉट बना के हम यूज करते हैं। सेकेंड है कॉमा, कॉमा, कॉमा का साइन इस वे से यूज करते हैं। थर्ड है इन्वर्टेड कॉमास, इनवर्ट, इनवर्ट
inverted inverted commas inverted commas। अब inverted commas का क्या सही होता है? इन्वर्टेड कॉमास का यह साइन होता है। फोर्थ है मार्क ऑफ इंटीरोगेशन एंटी रो गेशन इंटीरो फिफ्थ है जो है वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सॉरी मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। सिक्स्थ जो है वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब जो सिक्स साइन बताया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसका जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है। हम इसको वापस एक बार रीड करते हैं। मैंने इससे पहले आपको पंक्चुएशन की डेफिनेशन बता दी। पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या है? जो सेंटेंसेस यानी कि एक जो सेंटेंस बनाते हैं वाक्य बनाते हैं हिंदी का, जैसे कि राम एंड श्याम इज प्लेइंग, तो उसमें कौन सा आएगा? एक सेंटेंस बना उसमें कैसे पंक्चुएशन मार्क आएगा? तो सेंटेंसेस पैराग्राफ में जो वेरियस साइन यूज करते हैं ना उसी को बोलते हैं पंक्चुएशन। और मैंने बताया आपको पंक्चुएशन के टाइप कितने थे। मेनली हमको ये पढ़ने हैं फॉलोइंग आर। फॉलोइंग यानी कि जो नीचे मैंने लिखे हैं, जो नीचे मैंने नोट डाउन किए। आर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यानी मुख्य पंक्चुएशन मार्क। ये मुख्य पंक्चुएशन मार्क है, हमको इसको डिटेल में रीड करना है कि ये कहाँ का यूज होता है। पहला था फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का साइन कुछ इस प्रकार होता है, डॉट होता है फुल स्टॉप का वहाँ यूज करते हैं। सेकेंड आता है कॉमा। कॉमा का ये साइन होता है, इस प्रकार कॉमा बनाते हम। थर्ड मैंने जो साइन लिखा है वो इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा के ये साइन होते हैं, ये साइन होते हैं। और एक ट्रिक होती है हिंदी में याद करने की, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 66 ये 66 की तरफ बना ना, ये 66 की तरफ बना है और ये 99 की तरफ बना है ना, तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 66 99। इन्वर्टेड कॉमा को याद करने का तरीका 66 99। फोर्थ मैंने जो आपको बताया है मार्क ऑफ इंटरोगेशन मींस प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना तब ये साइन यूज करते हैं और इसका साइन कुछ इस प्रकार हम बनाते हैं। और फिफ्थ है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ का साइन इस प्रकार होता है, ये ऊपर की ओर यूज कर सेंटेंस में या किसी वर्ड में ऊपर की ओर यूज करते हैं। ये दोनों साइन एक जैसे एपोस्ट्रोफ और कॉमा, ये दोनों साइन एक जैसे हैं बट यूज करने का तरीका अलग है। कॉमा कोई भी वर्ड लिखा जाता है उसके नीचे यूज करते हैं और एपोस्ट्रोफ कोई भी वर्ड लिखा जाता है उसके ऊपर यूज करते हैं। हम इसको वैसे डिटेल में पढ़ेंगे तब हमको इसका सही से नॉलेज हो पाएगा कि रियल में कॉमास कैसे यूज करते हैं डाउन साइड किसी वर्ड्स में और एपोस्ट्रोफ को कैसे यूज करते हैं वर्ड्स में किसी अपर साइड। और सिक्स साइन है
उसका ये साइन होता है। तो मैंने ये छह तरीके आप छह पॉइंट बताए, अब इनको हमको एक एक डिटेल करके पढ़ना है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का कहां यूज होता है? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप फर्स्ट जो आता है हमारा साइन ऑफ वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इसका हमने पीछे भी मार्क दिखाया था, जो ऐसे होता है डॉट। खाली अपने को क्या बनाना है? डॉट। अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे कि फुल स्टॉप रियल में हम कहां का यूज करते हैं। जो सेंटेंस बनाते हैं या बड़े बड़े पैराग्राफ बनाते हैं इंग्लिश में, उसमें फुल स्टॉप कहां यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज यूज्ड इन द एंड ऑफ एसरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है इट इज यूज्ड इन द एंड ऑफ असर्टिव and imperative sentence. imperative sentences. अब हम इस डेफिनेशन को वापस पढ़ते हैं कि एक्चुअली इसका मींस क्या है। व्हाट इज द मींस ऑफ दिस टू लाइंस? तो फर्स्ट मैंने हेडिंग डाली फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का कहां का यूज करेंगे और फुल स्टॉप का साइन किस प्रकार होता है? डॉट बनाना। क्या बनाना है? डॉट। तो इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है। इसका किसका? फुल स्टॉप का यूज किया जाता है इन द एंड। इन द एंड मीन यानी व्हेन, इट मींस व्हेन द एंड। एंड मींस लास्ट में, जो एक सेंटेंस खत्म होता है एंड यानी लास्ट में। और असरेटिव सेंटेंस हो या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो या इंपेरेटिव सेंटेंस हो, उसके अंत में हम उसको यूज करते हैं, इसको फुल स्टॉप को यूज करते हैं। असरेटिव सेंटेंस का हिंदी में मींस होता है निश्चात्मक वाक्य। असरेटिव सेंटेंस का हिंदी में मींस होता है निश्चात्मक वाक्य, यानी कोई चीज होनी निश्चय है, फिक्स है कि ये चीज होनी ही है, निश्चय है, निश्चात्मक। निश्चय मीन्स फिक्स, होनी होनी है, उसमें यूज किया जाता है असरेटिव। सेकंड मैंने बोला ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव होता है इच्छा सूचक, इच्छा वाले वाक्य, जाने मैंने अपनी इच्छा जताई कोई चीज, उसमें कुछ सेंटेंस में मेरी कोई इच्छा जाहिर हो रही है, मेरी विश जाहिर हो रही है, तो उसमें भी यूज होता है फुल स्टॉप। एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होता है, इंपेरेटिव का मीन्स होता है आदेश सूचक। आदेश सूचक मतलब आदेश देना, कमांड देना, उसमें यूज होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को आप मींस क्या हुआ? आदेश सूचक, यानी कि कोई चीज आदेश देना, कमांड देना, ऑर्डर करना, उसमें यूज होता है। तो फुल स्टॉप का कहां का यूज होता है? इट इज यूज्ड, ये यूज होता है इन द एंड, एंड में ऑफ असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस के एंड में, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एंड में, एंड इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड में। मैं सेंटेंस जो लिखा है असर्टिव, ऑब्जेक्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। लाइक एग्जांपल, कांति विल सिंग ए सॉन्ग, सिंग
words see take your seat and third है wish you all the best wish you all the best wish you all the best ये तीन sentence लिखे हैं और इन तीनों के end में क्या use हो रहा है full stop use हो रहा है full stop use हो रहा है और full stop use हो रहा है okay तो ये तीनों sentence लिखा है और इन तीनों के end में क्या use हो रहा है full stop use हो रहा है अब second इसका use है full stop का कहाँ का use करते हैं second second है इसका use after the initial of name signature after the initials initials of name initial of name initial of name after the initial of name like jaise ki mk mk first maine likha example mk gandhi rn RN Tagore RN Tagore तो after the इसके बाद initial of name किसी भी नाम के initial यानी M K मैंने short form लिखी ना A initial कहलाते हैं short form को initial बोलते हैं M K इनके M के बाद दो आते हैं यानी कि full stop है और K के बाद initial इन्हीं को बोलते हैं initial की short form तो M के बाद full stop लगाया और K के बाद full stop लगाया R N Tagore R R N short form में आ रहा है तो R के बाद मैंने full stop लगाया और N के बाद भी full stop लगाया third जो आता है third and last between the letters between the letters between the letters between the letters of every abbreviation between the letters of क्या मीन्स ऑफ बिटवीन द लेटर दो लेटर्स के बीच में आप एब्रिविएशन यानी कि कोई शॉर्ट फॉर्म बनानी है जैसे कि बी ए एम ए ऐसे लाइक बी ए शॉर्ट फॉर्म एम ए शॉर्ट फॉर्म एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है बी ए जिसको बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं तो इन दोनों लेटर्स के बीच में यानी शॉर्ट फॉर्म के बीच में क्या आएगा फुल स्टॉप आएगा इस प्रकार हम क्या करते हैं कॉमा का कहां का यूज होता है वो पढ़ते हैं ओके थैंक यू